तो क्या आपको पता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट होता है, जिसको हम लोकसभा के नाम से भी जानते हैं, उस पे जो सीट्स होते हैं ना, उनमें 420 नंबर सीट क्यों नहीं होता? या फिर क्या आपको पता है जो मैन होल होते हैं रोड पे, वो हमेशा राउंड शेप के क्यों होते हैं, किसी और शेप के क्यों नहीं होते? अगर नहीं पता तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। तो है गाइस, मैं हूं सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, उसके साथ साथ और बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इंडियन पार्लियामेंट या फिर लोकसभा एक ही बात है। तो गाइस, इंडियन लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होते हैं, जिसमें कि एक सीट होता है स्पीकर का और बाकी जो सीट होते हैं वो पॉलिटिशियन का होता है, जहाँ पर कि कुछ डिबेट होता है या फिर किसी मुद्दे को लेकर बात चलती रहती है। लेकिन इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि भाई इसमें 547 सीट्स तो है, और हर एक सीट में 1, 2, 3, 4 करके 547 तक सीट्स नंबर भी है, लेकिन जो 420 नंबर सीट है वो इधर अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि गाइज, एज पर इंडियन लॉ, जो 420 नंबर सेक्शन है इंडियन लॉ में, वो चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा कि भाई वो सीट पे बैठ के वो भी चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करे। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जो 419 सीट है उसको 419A और जो 420 नंबर सीट है उसको 419B सीट में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे जो 420 का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो गाइस, इसी के वजह से इंडियन पार्लियामेंट या फिर लोकसभा में 420 नंबर सीट नहीं होता, उसके बदले में 419A और 419B होता है। टाइटेनिक, तो शायद ही कोई होगा जिसने टाइटेनिक का नाम नहीं सुना होगा, और हम सबको पता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा ये शिप था टाइटेनिक, और ये दावा करती थी कि गाइस ये कभी डूब नहीं सकती, लेकिन इसके लॉन्च के 4 दिन बाद ही ये आइसबर्ग के साथ टक्कर में डूब गई। तो इसके बारे में तो हमको पता है, लेकिन इसमें फैक्ट क्या हुआ? तो गाइस, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि गाइस, टाइटेनिक तो बहुत ही बड़ा एक ह्यूज शिप था, और इसको बनाने के लिए उतना ही ज़्यादा पैसे लगे थे। तो इससे प्रॉफिट निकालने के लिए एक बहुत ही तगड़ा मार्केटिंग प्लान, या फिर जो स्ट्रैटेजी आप कुछ भी बोल लो, उन्होंने प्लान किया। तो गाइस, वो स्ट्रैटेजी क्या था? तो गाइस, आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि टाइटेनिक में टोटल 4 फनल आपको दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन फैक्ट की बात यह है, जो 4 नंबर फनल है ना, वो फेक है। क्योंकि गाइस, उस टाइम पे अगर किसी शिप में 2 फनल भी दिख जाता था तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिप हो जाता। तो गाइस, इसीलिए टाइटेनिक के ऑफिशियल्स ने 4-4 फनल्स लगा दिए। 3 फनल्स तो रियल थे, लेकिन चौथा वाला को लगाया गया क्योंकि उनको टाइटेनिक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना था, और भी ज़्यादा पावरफुल दिखाना था, और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज भी दिखाना था, इसीलिए उन्होंने चौथा फेक फनल लगा दिया। और इसके लिए भाई लोग इसके तरफ आकर्षित भी होने लगे, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन 4 दिन बाद इसका जो एक्सीडेंट हो जाता है और ये डूब जाता है, और साथ 1500 लोगों को भी लेके डूब जाता है। तो सिर्फ ह्यूज होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया का और इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड्स के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडिया का और दुनिया का सबसे बड़े बड़े डैम्स के बारे में। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया का टॉलेस्ट डैम कौन सा है। तो गाइस, इंडिया का टॉलेस्ट डैम है तेहरी डैम, और यह करीब करीब 261 मीटर लंबा है, और यह भागीरथी नदी के ऊपर सिचुएटेड है, जो कि उत्तराखंड में है। और अगर बात करें इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, तो वो है हीराकुद डैम, जिसका टोटल डिस्टेंस है 25.8 किलोमीटर, और ये महानदी ओडिशा में सिचुएटेड है। और अगर बात करें इंडिया का ओल्डेस्ट डैम, तो वो है कल्लानाई डैम, जो कि 100 BC से 100 AD के बीच में बनाया गया था। और अगर बोले वर्ल्ड का टॉलेस्ट डैम, तो वो है जिंगपिंग आई डैम, जो कि करीब करीब 350 मीटर्स लंबा है, और ये चाइना में है। और अगर बात करें दुनिया का लॉन्गेस्ट डैम, तो वो है थ्री गॉर्जेस डैम, और ये करीब करीब 305 मीटर लंबा है, और ये भी चाइना में ही सिचुएटेड है। तो गाइस, अगर यहाँ तक का फैक्ट आपको पसंद आया तो एक अच्छा सा लाइक कर दो,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और कमेंट करके बताओ कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा है। और अगर मेरे से बात बात करनी है तो इंस्टा में डीएम कर दो और वीडियो को कंटिन्यू करो। तो गाइस, हम जब भी रोड पे चलते हैं ना, तो हमने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि रोड के साइड पे मैन होल्स रहते हैं और उसके ऊपर ढक्कन भी रहता है। लेकिन एक चीज़ का भी नोटिस किया आपने कि जो सारे के सारे मैन होल्स होते हैं ना, वो हमेशा राउंड शेप के ही होते हैं, किसी और शेप के होते नहीं। ना यार रेक्टेंगुलर होता है, ना ट्रायंगुलर होता है, लेकिन क्यों? सोचा तो कभी होगा ही। तो गाइस, इसका सीधा साधा एक रीज़न है, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर होता है या फिर ट्रायंगुलर होता है तो उसका जो ढक्कन होता है ना, वो स्लीप होके अंदर अटक सकता है। मतलब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अगर रेक्टेंगुलर शेप होता है तो ये जो ढक्कन है ये अंदर स्लीप होके जा सकता है, अगर स्लीप होके जाता है तो वो अटक सकता है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर राउंड शेप हुआ तो कभी स्लीप होके अंदर जा ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। अगर ठीक ठाक साइज़ का बनाया जाए तो वो अंदर कभी जा ही नहीं सकता, तो अटकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी के वजह से मैन होल्स जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, ना कि किसी और शेप के। तो गाइस, आपने काफ़ी टाइप के ब्रिज तो ज़रूर देखे होंगे, मोस्ट डेंजरस ब्रिज, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज, मोस्ट हाइस्ट, कुछ भी ऐसा कुछ ब्रिज तो ज़रूर देखा होगा यूट्यूब में, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब में। लेकिन कोई आपको नहीं बताएगा कि दुनिया में टोटल कितने तरीके के ब्रिज है ऑफिशियली, मतलब कितने तरीके के ब्रिज होते हैं, तो उसी के बारे में जब बात करेंगे। तो गाइस, दुनिया में टोटल 7 तरीके के ब्रिज होते हैं, 7 तरीके के, ओवरब्रिज को छोड़ के, ओवरब्रिज को अवॉइड करके जो मेन ब्रिजेस होते हैं किसी नदी के ऊपर या किसी समुद्र के ऊपर, वो टोटल 7 तरीके के होते हैं। और मैं आपको सारे के सारे नाम बताऊँगा, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी दूँगा, जिससे कि आप पिक्चर के साथ रिलेट कर पाओ। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आता है केबल स्टेड ब्रिज, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ विद्यासागर सेतु, जो कि कोलकाता में ही सिचुएटेड है और यह केबल के थ्रू बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है केबल स्टेड ब्रिज। और दूसरे नंबर पे है हमारा सस्पेंशन ब्रिज, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो वो है सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज, या फिर जिसको हम ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जानते हैं, और ये कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। तीसरा नंबर है हमारा आर्च ब्रिज के बारे में, और आर्च ब्रिज का पिक्चर कुछ ऐसा होता है आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हो, और इसका एग्जांपल है हेल गेट ब्रिज न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। तो कैसे हमारा जो फोर्थ ब्रिज है वो है टायर्ड आर्च ब्रिज, और यह कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसका एग्जाम्पल है फ्रीमोंट ब्रिज पोर्टलैंड। तो वैसे हमारा जो फिफ्थ ब्रिज है वो है ट्रास ब्रिज, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसका एग्जांपल है सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड बे ब्रिज, जो कि कैलिफोर्निया में है। तो हमारा जो सिक्स ब्रिज है वो है कैंटिलेवर ब्रिज, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा ना कि आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, वो एक कैंटिलेवर ब्रिज है। तो गाइस, हमारा जो लास्ट ब्रिज है वो है बीम ब्रिज, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसका एग्जांपल है द लेक पंचर ट्रेन कॉजवे न्यू ऑर्लीन्स। यही थे कुछ 7 तरीके का ब्रिज जो कि वर्ल्ड में होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, एक लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, और इंस्टा में भी फॉलो कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपका भाई रोजाना लाता रहता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो हमेशा की तरह साइनिंग ऑफ।